विश्व में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए देश अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी बीच राजस्थान भाजपा के सुर पलटे हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जन आक्रोश यात्रा स्थगन की जानकारी दी, लेकिन सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ फोन पर जुड़ते हुए एक्सक्लूसिव जानकारी दी। कहा कि अभियान के तहत जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी, इनमें कोविड की सामान्य सावधानी का पालन किया जाएगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चीन, जापान और अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसके चलते इन देशों में कोविड पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोरोना की दूसरी वेव में भारत में हालात काबू हो गए। इसके चलते भारत सरकार और देश के कई राज्य अभी से सतर्क हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना को लेकर अहम बैठक ली। इसके अलावा यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों में भी कोरोना की समीक्षा की गई। इस बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने आपत्ति जताई। यहां तक कि पहले अपनी जन आक्रोश यात्रा को बंद कराइए, इसके बाद बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने दिल्ली में जन आक्रोश यात्रा को स्थगित करने का बयान दिया। मगर शाम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बयान दिया कि सभा यथावत रहेगी, बस कोविड के सामान्य सावधानियों का सभा में पालन किया जाएगा। क्योंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था, लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जनाक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है, और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है, जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है। रोचक बात यह है कि बीजेपी के एक ही दिन में इन अलग अलग फैसलों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जबरदस्त कंफ्यूज नजर आए। बाद में अरुण सिंह और सतीश पूनिया के नए ट्वीट के बाद अब अपडेट हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 24 तारीख तक बीजेपी के जन आक्रोश यात्राओं के प्लान पूरे हो गए हैं। इंतजार रहेगा इन प्लान के बाद अब जन आक्रोश सभाओं में कितनी भीड़ आती है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से होता है। फर्स्ट इंडिया के लिए ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट।